तो क्या 36 घंटे बाद महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बन जाएगी? अगर हां तो इस सरकार की कैबिनेट कैसी होगी? शिंदे गुट के किस विधायक को मंत्री बनाया जाएगा? क्या शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सूत्रों के हवाले से टीवी 9 के पास संभावित फडणवीस कैबिनेट की लिस्ट है और इस लिस्ट में किसके किसके नाम हैं जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ३३ नवंबर २०१९ राजभवन महाराष्ट्र। सुबह करीब 8 बजे का वक्त हो रहा था। महाराष्ट्र के राजभवन ने इतनी जल्दबाजी में शपथ ग्रहण पहले कभी नहीं देखी थी। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन फडणवीस का कार्यकाल सिर्फ 80 घंटे का रहा। शपथ ग्रहण के चौथे दिन ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब मुहूर्त बीजेपी के लिए अशुभ था, लेकिन इस बार बीजेपी किसी जल्दबाजी में नहीं है। इंतजार है उस मुहूर्त का जब समीकरण संख्या और सत्ता तीनों महाराष्ट्र में देवेंद्र सरकार के साथ होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में किसको क्या मिलेगा, इसकी तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम उस शख्स को बनाया जाएगा जिन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया। एकनाथ शिंदे फडणवीस कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों का दावा है कि संभावित देवेंद्र कैबिनेट में शिंदे गुट का दबदबा रहेगा। शिंदे गुट के वो कौन से विधायक हैं जो फडणवीस सरकार में मंत्री बन सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी के वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। संभावित लिस्ट में पहला नाम है 6 बार के विधायक गिरीश महाजन का। महाराष्ट्र के जलगांव से विधायक गिरीश महाजन पहले की फडणवीस सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। फडणवीस की फ्यूचर कैबिनेट में दूसरा नाम हो सकता है सुधीर मुनगंटीवार का। 59 साल के मुनगंटीवार महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरा नाम हो सकता है एमएलसी प्रसाद लाड का। चौथा मंदा महात्रे के रूप में एक महिला का हो सकता है। पांचवा नाम प्रवीण दरेकर का। इसके अलावा आशीष शेलार को भी नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शेलार मुंबई बीजेपी के चीफ और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बात शिंदे गुट के उन नेताओं की जिन्हें बीजेपी की नई संभावित सरकार के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। संदीपन भुमारे, दीपक वसंत केसरकर, दादाजी भूसे, गुलाब राव पाटिल, शंभू राजे देसाई और उदय सामंत शिवसेना के वो बागी नेता हैं जो शिंदे गुट के हैं और इन्हें बगावत का इनाम कैबिनेट में जगह देकर दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।